नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। 3 माह पूर्व लापता युवक का मिला कंकाल, ससुराल पक्ष पर हत्या का संदेह। जब रिश्तों ने छोड़ा साथ तो रीवा कलेक्टर एवं स्थानीय विधायक ने थामा श्रवण का हाथ। सड़क पर उतरे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय। खबरें अब विस्तार से। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो के नारों के साथ रीवा के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। संविदा स्वास्थ्य कर्मी उतरे सड़क पर, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ये धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने किया जा रहा है। इस बीच आज स्वास्थ्य संविदा कर्मियों द्वारा प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। जिला स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के संबंध में कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के 32,000 जबकि जिले के 900 स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो निरंतर जारी है। ये विरोध प्रदर्शन प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ चल रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी विगत 20 वर्षों से कार्यरत हैं। सरकार द्वारा हमेशा उनकी मांगों को दरकिनार किया जाता रहा है, जबकि उनकी दो ही मुख्य मांगे हैं, जिनमें एक नियमितीकरण और दूसरी निष्कासित कर्मचारियों की बहाली। लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, जबकि पूर्व में भी सरकार को लगातार चेताया जा रहा है। उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण अब ये कदम उठाकर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो के नारे के साथ ज्ञापन पत्र सौंपा है। प्रस्तुत है संविदा स्वास्थ्य कर्मी संगठन के पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारी प्रथम मांगे ये है कि जिस तरह शिक्षा विभाग को और हमारे अन्य ऐसे विभाग हैं जिनको नियमित कर दिया गया है जो नीति के तहत, उसी नीति के तहत संविदा कर्मचारियों जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं उन्हें भी नियमित किया जाए। प्रश्न दूसरा ये है कि वर्ष 2018 में 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संविदा की नीति लागू की थी, जिसमें ये कहा गया था कि 90% सरकारी कर्मचारियों के बराबर संविदा को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग में वह नीति 5 वर्षों में लागू नहीं करा पाए। प्रश्न दूसरा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव 2018 में था तो उन्होंने कहा था कि संविदा एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और हम इसे बदल कर सभी कर्मचारियों को नियमित करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री होते हुए भी और वह अपने वचनों को आज तक पूरा नहीं कर पाए, ये बहुत बड़े दुखद बात है। हम ये चाहते हैं कि वो अपने वचनों को पूरा करें और जितने भी संविदा स्वास्थ्य में कर्मचारी हैं उन्हें तत्काल नियमित करें, और जो साथी हमारे निष्कासित हो चुके हैं उनकी गलत नीतियों के कारण उन्हें तत्काल वापस करें। अन्यथा की स्थिति में क्या? अन्यथा की स्थिति में हम उग्र आंदोलन में चले गए हैं। बिल्कुल निश्चित पड़ेगा। वो तो हम लोगों ने नारा ही दे दिया। हिमाचल सरकार जैसे गई है 1% वोट से, वो 32,000 कर्मचारी हम लोग 1% हम लोग 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। हाँ। सरकारी कर्मचारियों की भांति सेवा दे रहे हैं। हाँ। उनसे ज्यादा डिग्रियां हम लोगों के पास, फिर कारण क्या है कि हम लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा? पूरे कोविड काल में काम 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे हैं जिनको संविदा में जो कार्यरत। विजय तिवारी, हम डेटा मैनेजर हैं सीएमओ ऑफिस रीवा में। सर, आज ये ज्ञापन सौंपा गया संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, क्या इनकी मांगे रखी? ये आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश में जिला रीवा इकाई के द्वारा पर कलेक्टर महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन जो है वो दो बिंदुओं पर है। दो बिंदुओं पर जो प्रमुख बिंदु है वो है कि इनका नियमितीकरण किया जाए, स्थायी किया जाए शासन की नौकरी में, और साथ में जिनको बाहर निकाला गया है उनकी वापसी की जाए। इन्हीं दो प्रमुख बिंदुओं को लेकर के आज इकाई के द्वारा ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, द्वारा उचित माध्यम से अग्रेसित कर दिया जाएगा। 3 माह से लापता युवक का पहाड़ की झाड़ियों में मिला कंकाल, माला एवं कपड़ों से हुई पहचान। लगभग 1 वर्ष से ससुराल में रह रहा था युवक। हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि जिले के दामोदरगढ़ से 3 माह पूर्व लापता हुए युवक का कंकाल बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में युवक की हत्या कर शव फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर मिले हड्डियों के टुकड़ों को समेटकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मऊगंज थाना क्षेत्र के दामोदरगढ़ गांव में एक युवक का कंकाल बरामद हुआ। गांव से लगे पहाड़ में झाड़ियों में मानव कंकाल स्थानीय लोगों ने देखा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। झाड़ियों में हड्डियों के टुकड़े पड़े थे, जिसे पुलिस ने बाहर निकलवाया। हाथ में बंधे धागे व कड़े से उसकी पहचान राम सुहावन गोड़, उम्र 30 वर्ष, निवासी जड़कुल, थाना अनमना, हाल मुकाम दामोदरगढ़ के रूप में हुई है। युवक 3 माह पूर्व लापता हो गया था, जिसकी तलाश के बाद भी कोई पता नहीं चल रहा था, जिससे शव कंकाल बन गया। घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आशंका है कि युवक को पहाड़ी में लाया गया था और हत्या कर शव को झाड़ियों में छुपा दिया गया था। युवक साल भर से ससुराल दामोदरगढ़ में रहता था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। देर रात FSL टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया है। मऊगंज के SDOP नवीन दुबे ने बताया कि मामले में पुलिस ने संदेही को हिरासत में लिया और प्रारंभिक पूछताछ में उनकी हत्या से जुड़ी जानकारी दी है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस हत्या का पता लगाने में जुटी है। इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घर जमाई को साली के प्रेम के संदेह में ससुराल पक्ष ने ही हत्या कर पहाड़ की झाड़ियों में उसका शव फेंका था। यही वजह है कि 3 मार्च से लापता युवक की थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। प्रस्तुत है एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। एक कंकाल मिला है, जिसकी पुष्टि उनके परिजनों ने की है, जो जड़कुल के रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि ये हमारे जो है ये राम सुहान सिंह गोण जड़कुल, इनकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो कंकाल उनकी है। इनकी पत्नी और इनके मृतक के पिता ने ये तस्दीक किया है कि ये शव जो है हमारे बेटे का है, और उनकी शंका इस बात की है कि ये अपने ससुराल में ये दामोदरगढ़ रहता था, और ससुराल वालों ने इनको ये बताया था कि ये जो है राम चौहान मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ है। तो इन लोगों ने इनकी तलाश की नहीं, पिछले 4 महीने से वो था नहीं। अब उसका जब कंकाल मिला तो उनके साथ कंकाल के साथ जो वस्तुएं मिली हैं, हाथ में जो धागे बंधे हुए हैं, कपड़े हैं, उनसे उनने पहचान की है। पुलिस ने इसमें मर कायम किया है। ये कंकाल जो है कल दस्तयाब हुआ था। मऊगंज थाने में थाना प्रभारी ने मर कायम करके जांच की जा रही है इसकी। इसमें और भी तथ्य निकाले जा रहे हैं, ऐसी शंका हत्या की लोगों ने बताई है उनको। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और युवकों द्वारा उठाए जा रहे आत्मघाती कदम के चलते आज NSUI छात्र संगठन द्वारा शहर के स्थानीय कॉलेज चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि छात्र नेता मानवेंद्र सिंह गहरवार ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी पूरे चरम पर है। आज का युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सरकार किसी को रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है, ना ही रोजगार के संसाधन दे पा रही है। बस कागजों में रोजगार देने के आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं। NSUI छात्र नेता मानवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में बीते 20 वर्षों के दौरान 20% युवाओं की संख्या बढ़ी है और इससे कहीं ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े बढ़े हैं, जिसके चलते आज का युवा आत्मघाती कदम उठा रहा है। कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन सरकार रोजगार देने और रोजगार के संसाधन मुहैया कराने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी के विरोध में आज NSUI छात्र संगठन द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर जल्दी ही सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की ओर ध्यान नहीं देगी तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रस्तुत है NSUI छात्र नेता मानवेंद्र सिंह गहरवार से प्राप्त जानकारी के अंश। पुतला दहन किया है, जिसका उद्देश्य है बेरोजगारी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर नेता यही कहता है कि युवा हमारे समाज का, युवा की अहम भूमिका होती है किसी भी देश के लिए, तो युवाओं के लिए रोजगार की बात क्यों कोई नहीं करता। मैं आंकड़े के अनुसार आपको बताना चाहूँगा, पिछले 20 वर्षों में 20% आबादी बढ़ी हमारे मध्य प्रदेश की। उस 20% आबादी के अनुपात में अगर हम रोजगार की सरकारी नौकरी की अनुपात देखें तो 2% से 3% रोजगार घटा है।
मैं पूछना चाहता हूँ, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या युवाओं का इतनी ही भूमिका रही है कि जितनी उनकी एक सेमेस्टर की फीस होती है 5 से 10 हज़ार रुपये, उतने का प्लेसमेंट उनको कॉलेज में दिया जाता है? जब आप कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, तो अगर एक युवा पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके 10 हज़ार की प्लेसमेंट या 10 हज़ार की रोजगार में जाएगा या 10 हज़ार की नौकरी प्राप्त करेगा, तो उसका आगे का लाइफ या उसका लाइफ स्टाइल कैसा होगा? वो 10 हज़ार में अपना पेट चलाएगा या फिर हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए छोटा मोटा योगदान दे पाएगा? मैं बताना चाहूँगा शिवराज सरकार को, यदि इसी प्रकार की हालत बनी रही तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में जिस प्रकार युवाओं की अहम भूमिका होती है निर्णय में चुनाव के, कहीं ना कहीं उसका भुगतान शिवराज जी को करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं मानवेंद्र सिंह गहरवार, NSUI छात्र युवा नेता, हिंदू छात्रवाणी संभागीय अध्यक्ष, साथ में युवा संगठन का भी संभागीय अध्यक्ष। पिता का इलाज कराने दर दर भटक रहे श्रवण कुमार को मिला इस युग में भी सहारा। श्रवण कुमार का जब रिश्तों ने साथ छोड़ा तो रीवा कलेक्टर व स्थानीय विधायक ने थामा हाथ। आपको बता दें कि आज इस युग में भी एक श्रवण कुमार है जो अपने पिता का जीवन बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। श्रवण कुमार के सामने जब रिश्तों के दरवाजे बंद हो गए तब भी श्रवण कुमार ने हार नहीं मानी। आज उसका प्रयास सफल रहा, यूं कहें अब वह निर्बल नहीं रहा। दरअसल सतना निवासी जुगल किशोर एक छोटे कर्मचारी हैं जिन्हें वर्ष 2020 में पता चला कि वह हृदय रोग के गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इस दौरान जुगल किशोर पटेल के पुत्र श्रवण कुमार ने अपने पिता का इलाज कराना शुरू किया। इलाज के दौरान हृदय में कई बार पेसमेकर डाला गया, लेकिन वो हर बार किसी न किसी कारण से काम नहीं कर पाया। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक एस के त्रिपाठी ने बताया कि जुगल किशोर सतना नगर निगम में डेली वेज कर्मचारी हैं जिनका इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। 2 बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, 1 बार जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल और इसके बाद यूएन मेहता अकादमी अहमदाबाद में जुगल किशोर का इलाज चला, लेकिन तार सहित पेसमेकर काम नहीं कर सका। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के त्रिपाठी ने बताया कि अब केवल जुगल किशोर के हृदय में वायरलेस पेसमेकर लगाया जा सकता है, जिसके लिए तकरीबन 7 लाख का खर्च आता है। जिसकी जानकारी होने पर कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प एवं ADM शैलेंद्र सिंह के प्रयासों से स्थानीय ठेकेदार सुरेश मिश्रा के द्वारा 1 लाख का चेक व श्रीकांत मिश्रा के द्वारा 25,000 रुपये नकद मदद की गई। इधर इस बात की जानकारी होने पर स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा इस बात की चर्चा टनल उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की गई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोष से श्रवण कुमार को 2 लाख की राशि मिल पाई है। श्रवण कुमार ने बताया कि वो उसके जीवन में सबसे कठिन पल है जब रिश्तों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, सारे दरवाजे बंद हो गए। तब डॉक्टर एस के त्रिपाठी, स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प व ADM शैलेंद्र सिंह ने हाथ बढ़ाया। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की पहल के बाद कल एक बार फिर जुगल किशोर का ऑपरेशन होने वाला है, जिससे एक बात तो तय हो गई है कि आज भी श्रवण कुमार सच्चे मन से मातृ पिता की सेवा करें तो भगवान भी उनका साथ देता है। प्रस्तुत है श्रवण कुमार एवं शैलेंद्र सिंह ADM से प्राप्त जानकारी के अंश। और ADM साहब द्वारा जानकारी अवगत कराई गई कि श्रवण जी के पिताजी को गंभीर बीमारी है, कुछ आर्थिक मदद की जाए, तो मैंने तत्काल जो यथासंभव था 25,000 रुपये नगद श्रवण जी को दे के उनकी छोटी सी सहायता की है। धन्यवाद। श्रवण जी, आपका, आपके पिताजी की कलेक्टर साहब ने मदद की है, क्या है पूरा मामला? जी, रीवा के कलेक्टर श्री मनोज पुष्प जी और श्री शैलेंद्र सिंह जी ADM है, जो उन्हें जब इस खबर का पता चला तो श्री सुरेश मिश्रा जी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने 1 लाख रुपए और श्री श्रीकांत मिश्रा जी ने 25,000 रुपए मेरे पापा जी के दवा के लिए सहयोग किया है। मेरे पापा जी कंप्लीट हार्ट की ब्लॉक की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेसमेकर पापा जी को नवंबर 2020 में पड़ा था, लेकिन वो स्किन प्रॉब्लम की वजह से हम 2 बार सुपर स्पेशलिटी रीवा में इलाज कराए हैं और 1 बार जबलपुर सुपर स्पेशलिटी गैलेक्सी करके, और वहाँ से फिर हम नहीं सही हुआ, वही बार बार मशीन बाहर दिखने की थी, तो हम UN मेहता अहमदाबाद हॉस्पिटल है कार्डियो का, हम वहाँ भी दिखाए, वहाँ भी यही समस्या हुई। अब डॉक्टर इन सब चीज़ से सही होने के लिए मेड्रॉनिक कंपनी का लीडलेस पेसमेकर आता है जिसे माइक्रो बोलते हैं, उसके लिए सजेस्ट किए हैं, जो 7 लाख रुपए उसकी राशि है,
हम इसके पहले काफ़ी अब 4 ऑपरेशन करा चुके हैं 2 साल से, सभी चीज़ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। इसके लिए श्री मनोज पुष्प जी कलेक्टर रीमा के और ADM श्री शैलेंद्र सिंह जी को जब ये खबर हुई तो उन्होंने ये सब उनके द्वारा ये सहयोग करवाया गया। तो आपके पिताजी को कब से ये बीमारी थी? मेरे पिताजी को नवंबर 2020 में ऐसी शिकायत हुई थी, उनको चक्कर आ रहा था, मतलब एक भी चल नहीं पा रहे थे, सांस लेने में प्रॉब्लम थी। तो हमें सिटी हॉस्पिटल सतना से संजय गांधी के लिए रेफ़र किया गया था। यहाँ हमें पता चला कि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है और उनको पेसमेकर पड़ेगा। फिर हमें वो गूगल करके पता चला कि क्या पेसमेकर होता है, ये सब चीज़ें। तो सर के पास कैसे पहुँचे आप, किस तरह के माध्यम से पहुँचे? सर से हम जो हमारे डॉक्टर देख रहे हैं पापा जी को, मेरे श्री सुनील कुमार त्रिपाठी सर, तो उन्हीं के माध्यम से ये बातें गईं। और श्री अंबिका पटेल सर हैं भटवा के, उनके द्वारा सलियन सर का नंबर मिला था, तो सलियन सर से हमने संपर्क किया था कि हमें कुछ हेल्प करा दी सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है सब चीज़ें, तो सर ने मतलब ये सब चीज़ें करवाई। तो अभी आपको कैश मिल गया और चेक भी मिल गया? जी सर। चलिए, क्या कहेंगे आप कलेक्टर सर को इसके लिए? सर मैं कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास, मेरी हेल्प मतलब क्या बताऊँ सर, बुरे समय में मेरी हेल्प की है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, रिलेशन वाले भी कॉल नहीं उठा रहे थे, और भी कई चीज़ें थी, लेकिन थैंक यू मनोज पुष्प जी कलेक्टर जी हुआ और ADM श्री शैलेंद्र सिंह जी का और श्रीकांत जी जिन्होंने 25,000 रुपये। श्रवण कुमार पटेल जी हैं, श्रवण कुमार लड़के का जैसा नाम है वैसे ही इसका काम भी है। इसके पिताजी को हार्ट की बीमारी है और ये सुपर स्पेशलिटी में एडमिट हैं। ये बात जब कलेक्टर साहब को, रीवा कलेक्टर श्री मनोज पुष्प जी को पता चली तो उन्होंने इस काम को प्राथमिकता में लिया और अपने संपर्क सूत्रों से लोगों के बीच ये बात रखी और इसके माध्यम से श्री सुरेश मिश्रा जी जो कि एक बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं रीवा के, और श्री श्रीकांत मिश्रा जी जो स्टोन क्रेशर अपना चलाते हैं, श्रीकांत मिश्रा जी ने 25,000 रुपये और श्री सुरेश मिश्रा जी ने 1,00,000 रुपये की सहायता इसको की है। इस तरह से इसको पिताजी के इलाज में सहायता मिल सकेगी। मैं आप दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसकी निस्वार्थ रूप से सहायता की। गुड़ BMO के बचाव में उतरी पत्नी, विपक्ष सहित जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। किसके आदेश से NGO संचालक पहुंची थी स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाने? आरोपी बनाए गए BMO ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से पूछा सवाल। आपको बता दें कि विगत दिनों गुड़ स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर कल्याण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामला एक NGO संचालिका की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उसी मामले को लेकर चिकित्सक कल्याण सिंह ने सोमवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुछ विभाग से सवाल पूछा है, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल 13 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। उक्त वीडियो में NGO संचालक, उसके साथ ही अस्पताल का स्टाफ दिखाया गया है, जिसमें NGO संचालिका ने डॉक्टर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन चिकित्सक की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अपने विभाग को भी सूचित किया है, लेकिन न्याय न मिलने के चलते मीडिया के माध्यम से रूबरू हुए और सवाल किया है। ड्यूटी नहीं लगाई गई तो किसी बाहरी व्यक्ति के अस्पताल में आने के संबंध में सूचना क्यों नहीं दी गई? इतना ही नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह ने मांग की है कि उक्त महिला जिस NGO की अध्यक्ष बताई जाती है, क्या वह ट्रेवलिंग एजेंसी चलाती है, उसका आदेश सार्वजनिक किया जाए। आइए सुनते हैं कल्याण सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या सवाल खड़े किए। जी भैया, मैं डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में प्रभारी हूँ। मैं आज आप लोग के पास अपना व्यू रखने के लिए आया हूँ। 13/12/2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में एक घटना घटित हुई है, जिसमें मेरे द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था, साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय, IG महोदय को मैंने अपना आवेदन दिया, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी से व्यथित होकर मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। एक ये हमारे CMHO कार्यालय का एक आदेश है 24/11/2022 का, ये खंड चिकित्सा अधिकारी के लिए प्रकाश भेजा गया और इसमें ये कहा गया था कि खंड चिकित्सा अधिकारी एक निश्चित दिनांक को कैंप लगाकर अपने कर्मचारियों के साथ 30 मरीज
मोतियाबिंद के आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका बीपी शुगर इतना इतना होना चाहिए। अगले दिन सुबह 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुड से एक बस आएगी जिनसे उन मरीजों को लाया जाना है। इसमें कहीं मेरी ड्यूटी नहीं लगाई गई, पहली बात, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। दूसरा, जो घटना घटित हुई है जिसमें वो लोग थे, एक महिला और 5 पुरुष थे, उनकी भी कोई सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुड को नहीं थी कि कोई इस तरह के लोग आएंगे और यहाँ कैंप लगाएंगे, और आदेश में भी उनके द्वारा कैंप लगाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। उन लोगों ने मेरे पास आके, महिला ने डायरेक्ट मुझे हड़काना शुरू कर दिया और बोलने लगी कि आपने यहाँ कोई व्यवस्था क्यों नहीं करके रखी है। मैंने कहा, मैडम किस तरह की व्यवस्था, यहाँ तो रोज़ के रूटीन में जो व्यवस्था रहती है वो व्यवस्था ऑलरेडी यहाँ पर है, कि आपने टेंट नहीं लगवाया, आपने कुर्सी नहीं लगवाई, दरी नहीं बिछवाई। मैंने कहा, आप हैं कौन, आप अपना परिचय दीजिए, या कोई ऐसा आदेश यदि आपके पास है यहाँ कैंप लगाने का तो आप मुझे वो आदेश दिखा। बार बार मांगने के बावजूद उस महिला ने मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। फिर उसके बाद वो जो वीडियो है, इतना उसमें सारा एडिट है, आप देखेंगे, एक 6 सेकंड का वीडियो, उसमें एक लड़का दूर खड़ा हुआ मुझे गाली दे रहा है, तो मैं उसकी तरफ ये कहते हुए बढ़ रहा हूँ कि क्या आप यहाँ गुंडई करने के आए हैं। तो वो महिला बीच में आके मुझे धक्का देते हुए ये बोलती है कि आप आइए, मुझे मार के दिखाइए। मतलब उस लड़के का बचाव कर रही है वो, और ये चाह रही है कि मैं उससे भिड़ूँ और उतना वीडियो बन के वो कहीं दिखा सकूँ। फिर उसमें आगे जो वीडियो दूसरा आया है एडिट करके, उसमें एक महिला मरीज ये भी कह रही है कि क्या आप लोग यहाँ कैंप लगाने आए हैं कि गुंडई करने के लिए, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये वहाँ मरीज कह रहे हैं। जब वहाँ खड़े हुए मरीजों ने ये देखा कि एक अधिकारी के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया है, तो वही मरीज उनके ऊपर टूट पड़े, कोई कर्मचारी उसमें नहीं टूट रहा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने उन्हें मारना फिर शुरू किया। ये वहाँ की घटना है। मैं उसके बाद फिर थाने गया हूँ, थाने में TI साहब को फ़ोन लगाया, TI साहब थाने में नहीं थे, उन्होंने 2 आरक्षक भेजे हैं और आरक्षक भी उन्हें समझाए, उसके बावजूद वो नहीं माने हैं। एक षड्यंत्र करके कुछ गांव के लोग भी इन्वॉल्व थे जो उन्हें लेके आए थे वहाँ, उन्होंने मेरे ऊपर इस तरह का एक केस दर्ज करवा दिया। मेरे द्वारा भी आवेदन दिए गए, लेकिन उसमें कोई सुनवाई आज दिनांक तक नहीं रही। मैं न्याय मांग रहा हूँ, मेरे क्योंकि मैं शासकीय कार्य में था और ऑलरेडी अपना काम कर रहा था, ओपन स्पेस था, तो मुझे भी उसमें न्याय मिलना चाहिए जैसा मैंने आवेदन दिया। एक पक्ष से कार्रवाई ना, मैं आवेदन दे दिया हूँ, रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन अभी कोई ऐसी सहायता दिख नहीं रही जो कोई मिली। ने TI को फोन लगाया, थाने गए, पुलिस लेके आए, उसे भी तो TI को या थाने में फोन लगाना चाहिए था। उसके साथ लड़के थे, किसी को भेज सकती थी थाने कि मेरे साथ अभद्रता हो रही है, हमारे साथ मारपीट हो रही है, प्लीज सेव अस। मतलब आपके ऊपर कलेक्टर का ध्वज लगा क्या? अरे उनके बात करने का अंदाज ही कलेक्टर वाला था भाई साहब। जी हाँ, उनके बात करने का अंदाज ही कलेक्टर का और कमिश्नर वाला था। वो वहाँ कोई NGO की कार्यकर्ता बन के नहीं आई थी, वो एक कलेक्टर और कमिश्नर के अंदाज में आई थी। वो वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आई थी, वो वहाँ फोटोग्राफी करने आई थी, वीडियोग्राफी करने आई थी एज ए NGO कि यहाँ पे टेंट लगे, कुर्सियाँ हो, मरीज बैठे हों और इनकी फोटोग्राफी करके हम फंड निकाल लें। लेकिन दुर्भाग्य है, उस दिन वहाँ कोई वहाँ कैंप ही नहीं था, क्योंकि CSC घुड़ को कोई आदेशित ही नहीं किया गया था कैंप के लिए। तो उस चीज़ से वो बौखला गई कि अब हम क्या प्रूफ देंगे, ऊपर कहाँ से फोटो दिखा के पैसा निकालेंगे। देवतालाब में संपन्न हुआ मूल निवासी स्नेह मिलन समारोह, डॉक्टर SS तिवारी ने स्नेह मिलन सम्मेलन का उद्देश्य समझाया कि हमें एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए तथा आपस में भविष्य में जब भी एक दूसरे की जरूरत हो हम मदद करते रहें। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की बात कही गई। कृष्णा कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी तादाद में वरिष्ठ जन माताएं बहनें उपस्थित रहे। आपको बता दें कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर SS तिवारी द्वारा आयोजित इस हरिजन एवं आदिवासी सम्मेलन में उपस्थित जन समुदाय ने कहा कि इस बार हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में सदैव साथ रहे।
उपस्थित जनता ने श्री तिवारी को उपयुक्त बताया और सभी ने एक स्वर में देवतालाब विधानसभा से डॉक्टर एसएस तिवारी को सहयोग करने तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने तथा आगामी विधानसभा में उन्हें उम्मीदवार बनाने की बात कही। साथ ही मंच से सभी उपस्थित नेताओं ने उन्हें देवतालाब विधानसभा से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। उपस्थित लोगों के द्वारा भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर एस एस तिवारी राजनेता के साथ वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं, जो पिछले एक दशक से उस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित डॉक्टर एस एस तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम जिनको व्यक्तिगत मैं दिल से जानता हूं और सभी लोग हमसे करीब से जुड़े हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, माफ कीजिएगा, क्योंकि अब सभा समाप्त होनी है। और एक प्रभाव जिनकी बात मानी जाती है, हम आपसे क्या अनुरोध करने के लिए आए और इस जगह को क्यों हमने चुना है, इसके विषय में हम आपसे थोड़ी सूक्ष्म में बात करेंगे। जब देवतलाव विधानसभा में पिछले 10 सालों से मैं जाता हूं, हर गांव-गांव गली-गली जाता हूं, प्रिंसिपल साहब ने बताया, जब अंबेडकर जी की जयंती मनाता हूं, भगवान बिरसा मुंडा के लिए कार्यक्रम करता हूं, उनकी जयंती मनाता हूं, कई लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, शब्द चाहे शासन ने जैसे भी किए हो, हरिजन बड़ा सुंदर शब्द है, आप भी अगर इसको विच्छेद करें तो हरिजन माने भगवान के व्यक्ति हैं आप, आदिवासी माने जो आदि अनादि काल से वास करता हो। आपने इस बोर्ड पर पीछे देखा, इसमें लिखा हुआ है मूल निवासी। आदिवासी माने आदि काल से आपका वास इस धरती पर है, इसलिए आप आदिवासी हैं। और आपके बिना सहयोग, आपके बिना साथ दिए कोई भी व्यक्ति उसकी नैया पार नहीं हो सकती। आज मैं देवतलाव की जिस यात्रा पर निकला हूं और रात दिन एक करके मेहनत कर रहा हूं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, जब कभी जिस तरीके से 10 साल से आपकी सेवा में लगातार कर रहा हूं, जब कभी मेरी मेरे लायक जो सेवा हो, 24 घंटे हम आपके लिए खड़े रहे। मूल निवास इसने सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि जो अपने दलित आदिवासी हरिजन भाई हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, उनको न IIT चाहिए, न IIM चाहिए, उनको सड़क बिजली पानी चाहिए, अस्पताल चाहिए, रास्ता चाहिए गांव आने जाने के लिए, तो वो कैसे दूर हो। और दूसरा, जो राजनीतिक दल उनको ये बता करके कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, हम आपको आवास दे रहे हैं, तो ये तो उनका हक है, ये फूड बिल पास हो गया उनको मिलेगा, और ये कहा करके ठग लेना और बाकी उनकी बुनियादी चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना, इसको हम लोगों ने याद दिलाया है। और उनके जो ये असुविधा है, उनके अधिकार कैसे प्राप्त हों, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, उस पर चर्चा और चिंतन किए हैं कि तमाम गांव-गांव गली-गली जा करके हम लोगों ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, उनके बीच बैठे हैं, उनसे बातचीत की है और उनसे एक पारिवारिक आत्मीयता स्थापित किया है। इस कारण से जब कभी मैं कोई आयोजन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, तो लोग यहाँ स्वस्फूर्ति अपने से उपस्थित होते हैं। और ये तो एक नमूना है, अभी पिछले दिनों देवतलाव में हम लोगों ने युवाओं का एक बड़ा कार्यक्रम किया था, लगभग 5 एकड़ का वो एरिया भरा हुआ था, जबकि केवल युवाओं का था, कोई दल और बल का नहीं था, न सत्ता और शासन का था, ये केवल हरिजन और आदिवासियों का था। और आपने देखा कि इस कैंपस में बैठने की जगह नहीं थी, तो ये लोगों के बीच स्नेह है, इसमें क्या करेंगे आप। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।